उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए स्कूलों के हेडमास्टर ने सरकारी प्राथमिक स्कूल का नामकरण इस्लामिया प्राथमिक स्कूल के नाम से कर दिया, जहां शुक्रवार को जुमे के दिन विद्यालय की छुट्टी रहती है और रविवार के दिन स्कूल खुला रहता है। इस मामले के उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। इन स्कूलों के हेडमास्टरों ने बताया कि शुक्रवार को बंदी रहती है और स्कूल के नाम में इस्लामिया लिखने की परंपरा सन 1904 से चली आ रही है। जब से ये विद्यालय है तब से ये चलन चला आ रहा है। जनपद में 4 इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय चलते हैं, जिनमें इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय नवलपुर, इस्लामिया आदर्श प्राथमिक विद्यालय करमहा, इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय समीपट्टी और इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय पोखर भिंडा भी शामिल है। यह स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं। यहाँ सभी टीचर मुस्लिम वर्ग से ही आते हैं। इन स्कूलों का नाम बदलकर इस्लामिया प्राथमिक स्कूल कर दिया गया है। यहाँ टीचर की उपस्थिति भी उर्दू में ही दर्ज होती है। वहीं टीचरों के अनुसार ये कई वर्षों से चला आ रहा है, कोई सरकारी आदेश इसके लिए नहीं है। यहाँ मुस्लिम वर्ग के 60 से 80% बच्चे पढ़ते हैं, इस कारण ये व्यवस्था कर दी गई है। इस पूरे मुद्दे पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विगत शाम ये मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाई है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। 2008 में आया यहाँ, उसके पहले भी बचिया देवी रहा करती थी, वैसे ही विद्यालय चलाती थी जैसे चलता आया है। ये विद्यालय तो लगभग हमें अंदाजा है कि 1904 का ही है, और तभी से ये विद्यालय हमारे जो जानकारी में है तभी से विद्यालय इसे ही चल रहा है। मेरा नाम दिया हुआ नहीं है, ये पहले से जैसे विद्यालय का नाम था वैसे ही हम भी पेंट करा देते हैं, लिखवा देते हैं। क्या नाम इस समय है और क्या नाम होना चाहिए? इस्लामिया प्राथमिक विद्यालय नवलपुर। देवरिया से जनमत न्यूज के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट।